हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इकोसिस्टम, और ये लेक्चर पार्ट 3 है। BEVAE 181 यानी ये कोर्स है आपका, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चैप्टर से ही समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। और प्लीज इस लेक्चर को पूरा देखिए, क्योंकि लेक्चर जो 4 होगा हमारा, उसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे, वो भी इसी चैप्टर के, और इजी वे में ये पूरा कोर्स जो है चलेगा। और ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करना कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे उसको नोट डाउन कर लें, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, देखिए इकोसिस्टम का सिंपल सा मीनिंग है कि जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं और लिविंग चीजें हैं आपस में दोनों का इंट्रैक्शन, ये कहलाता है इकोसिस्टम, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए मैं इसको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो आप ये कह सकते हो जो ह्यूमन जो है किस तरीके से इंट्रैक्ट होता है, किस तरीके से डिपेंड है नॉन लिविंग चीजों से। जैसे मान लीजिए हम लोग डिपेंड हैं किससे, लैंड से, ऑक्सीजन से यानी एयर से, ठीक है, वाटर से। तो इसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं इकोसिस्टम। इसको अगर मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड हाउ दे इंटरैक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करूं, तो आप इस इतना समझिए कि जो लिविंग है और नॉन लिविंग जो पार्ट्स है, ठीक है, वो किस तरीके से एनवायरमेंट के अंदर इंटरैक्ट करते हैं। अब देखिए सिंपल सा आप मीनिंग समझिए, जैसे मान लीजिए ह्यूमन है, ह्यूमन को क्या क्या नीड है नॉन लिविंग से, यानी ये लिविंग है ह्यूमन तो, या फिर आप एनिमल्स भी ले सकते हैं इसमें। वो किस तरीके से डिपेंडेंट है, लैंड से डिपेंडेंट है, वाटर से डिपेंडेंट है, और आप कह सकते हो एयर से, यानी इन सब से डिपेंड करता है ह्यूमन की लाइफ। तो ये सब चीजों को बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, और इसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र, क्लियर। अच्छा आगे करते हैं। अच्छा इस टर्म को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, इसको भी सुन लेते हैं। डिस्कवर्ड बाय, तो आप कह सकते हो जिन्होंने डिस्कवर किया था, प्रोफेसर आर्थर टेम्सली। यानी ये प्रोफेसर का नाम याद रखना है आपने, ठीक है। ये प्रोफेसर है आर्थर टेम्सली, उन्होंने 1935 में ये टर्म दिया था जिसको बोला गया था इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की भी बात करते हैं हम लोग, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बहुत सिंपल, जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही बताया था कि पहला है आपका अबायोटिक और दूसरा है आपका बायोटिक, ठीक। अबायोटिक का जो मीनिंग है जनरली आप ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग से रिलेटेड होता है, अबायोटिक का मीनिंग है नॉन लिविंग, ठीक। और जिसको हम इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, जो जीवित ना हो। और बायोटिक का मीनिंग होता है इसका अपोजिट, यानी लिविंग या फिर ऑर्गेनिक, ठीक। अगर मैं इसको हिंदी में नाम दूं तो आप कहोगे इसको अजीव, जो जीवित ना हो, और बायोटिक में कहोगे जीवित। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में बताने की कोशिश करूं, यहां नॉन लिविंग का एग्जांपल होगा, जैसे मान लीजिए लैंड, ठीक है, आप मान सकते हैं यहां पर वाटर, एयर या कोई भी एनर्जी,
जितनी भी चीजें हैं सारी क्या है, अबायोटिक। लेकिन जो लिविंग में आते हैं आप कह सकते हो ह्यूमन, प्लांट्स, ठीक है, माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं, क्लियर। और इन दोनों से मिलकर बनता है आपका एक बायोस्फीयर। क्या बनता है? बायोस्फीयर, ठीक है, जिसको जीव मंडल भी बोलते हैं, जीव मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप टोटली हम बायोस्फीयर पे बात भी कर लेते हैं कि ये बायोस्फीयर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसको ध्यान रखते हैं और ये चीजें भी आप ध्यान रखना। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोस्फीयर क्या है, इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है, यानी आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीजों से। तो आप देखते हैं बायोस्फीयर के बारे में थोड़ा सा पूछा जाता है वन मार्क में। देखिए, बायोस्फीयर को ही आप एक नाम से और जानते हो, इकोस्फीयर। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में। तो बायो का मीनिंग बहुत सिंपल है, लिविंग जोन कह सकते हो, एक लिविंग जोन किससे मिलकर बना हो, जो क्या बना हो, नॉन लिविंग चीज से भी मिलकर बना हो। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, देखिए आपके पास तीन चीजें हैं जो मैंने बताया था, इनऑर्गेनिक है, अजीव है, जिसको मैं कहता हूं लैंड, ठीक है, वाटर और एयर। तो देखिए, आप जितना भी लैंड पर पार्ट है, यानी अर्थ पे लैंड पार्ट है, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। और जो वाटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ये याद रखना, हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है? वाटर। और जो एयर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं एटमोस्फेयर, ठीक है। इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं वायुमंडल, जलमंडल और यहां पर बोल सकते हो भूमंडल, ठीक है, धरती वाला जो पार्ट। देखिए, लैंड, वाटर, एयर, अब तीनों चीजों को मैं क्या करूंगा, अब एक वेन डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि बायोस्फीयर क्या है एक्चुअल में, यानी लिविंग जोन है क्या। देखिए, मेरे पास अर्थ पे क्या है, लैंड भी है, मेरे पास अर्थ पर क्या है, वाटर भी है, और मेरे पास अर्थ पर क्या है, एयर भी है, ठीक है। इनको शॉर्ट में मैंने बता दिया है कि लैंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं, वाटर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और एयर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर। अब ये बताइए, तीनों का इस्तेमाल करता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसे वो लैंड है, यानी हम लोगों को एग्जांपल ले लीजिए, हम लैंड पे रहते हैं, पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, एयर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी सांस लेने के लिए, तो तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी पॉइंट को बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है, यानी जीव मंडल, ठीक है, या फिर इसको इकोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नॉन लिविंग चीजें कौन कौन सी थी, ठीक है, अबायोटिक जिसको कहते हैं। देखिए, बायोस्फीयर आपको समझ में आ गया। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि जो इको सिस्टम था हमारा, वो दो चीजों से मिलकर बना था, अबायोटिक और एक बना था बायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक में याद रखना लैंड वगैरह तो आता ही है, साथ में जितनी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, जितनी भी एनर्जी है और जितने भी आप कह सकते हो चीजें दिखती हैं, जैसे आप सपोज कीजिए जितने भी गैसेस हैं, जैसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम पर्पस में कि मान लीजिए ऑक्सीजन है या फिर सल्फर है, ये सारी चीजें जो है अबायोटिक है, ये चीज ध्यान रखना, अबायोटिक। लेकिन बायोटिक में थोड़ा सा याद रखना कुछ चीजें जैसे बिल्कुल अलग लगती हैं, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है। अब आपको लगेगा ये कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है, लेकिन आपको ये चीज देखिए, कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर बनता है, लिविंग के अंदर बनता है ना, यानी हम लोगों के अंदर बनता है कार्बोहाइड्रेट, हम लोगों के अंदर बनता है विटामिन, हम लोगों के अंदर बनता है प्रोटीन, तो ये सारी चीजें जो है ना बायोटिक कहलाती है, जो एक लिविंग बींग बनाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है ये चीज, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग बायोटिक के अंदर। देखिए, बायोटिक के अंदर हमारे पास
पहले टर्म आती है प्रोड्यूसर। देखिए प्रोड्यूसर बेसिकली प्लांट को कहा जाता है और जिसको ऑटोट्रॉफिक भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं यहां पर प्लांट्स। ठीक, और जो प्रोड्यूसर को इनगुल्फ करते हैं यानी खाते हैं उनको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर। कंज्यूमर कई तरीके के हो सकते हैं, छोटे बड़े सब। कंज्यूमर को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉफिक। जैसे मान लीजिए प्लांट्स को कौन खाता है, डियर। ठीक है, तो इसके भी कई कैटेगरी होती है कंज्यूमर की, वो अभी हम देखेंगे। और जब बड़े एनिमल्स इनको खा लेते हैं तो मरने के बाद उनको कौन खाता है, इनको बोलते हैं डीकम्पोजर। ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हैं सेप्रोफाइट, या फिर आप इनको एक नाम से और जानते हैं रिड्यूसर। ठीक है, ये सारे क्या है, बायोटिक के हैं। ठीक है, जीवित जिनको आप बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे करते हैं और इसके बारे में हम और जानते हैं। एक टर्म है आपके पास जिसको बोलते हैं इकोटोन। इकोटोन क्या है, जिसको हिंदी में नाम देते हैं संक्रमित। ठीक है, पर्यावरण संक्रमित बोलते हैं इसको एक्चुअल में। तो इसको आप समझ लेते हैं, पहले थोड़ा सा एक टर्म लिख लेते हैं, अ रीजन ऑफ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज। देखिए ये डिफाइन मैंने इसलिए लिखवाई ताकि आपको अगर ऑप्शन में दे दे तो आप टिक कर लें। ठीक है, अब यहां पर आपको ट्रांजिशनल जोन समझना है, फिर उसके बाद ये आपको इकोटोन समझ में आएगा। अब देखिए सपोज कीजिए, जैसे एक छोटा सा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए ये लैंड है हमारे पास। ठीक है, और इसी लैंड से शुरू होता है यहां से वाटर। क्या शुरू होता है, वाटर। ठीक है, अब देखिए ये यहां वाला जोन जो है और ये पूरा वाटर वाला जोन। ठीक है, यहां पर भी पानी है, ये हिस्सा जो है ना पानी वाला है, अब इसको समझ लीजिए। और ये हिस्सा क्या है, लैंड वाला, यानी इसको लैंड जोन भी बोल सकते हैं हम लोग। और इसको बोलते हैं वाटर जोन, यानी ये पूरा वाटर है, वाटर यहां पर भी है, यानी इसको बोलते हैं वाटर जोन या फिर हाइड्रो जोन। अब देखिए यहां पर कोई जीव होंगे जो लैंड पर रहना चाहते होंगे। ठीक है, और वो लैंड से यहां पर भी आएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, और पानी के जीव होंगे जो लैंड के किनारे पर भी आना पसंद करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि एकदम से ना स्पीशीज, यानी जो जीव जंतु हैं यहां पर बहुत ज्यादा तादाद से बढ़ जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, इसी को बोलते हैं इकोटोन। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे लैंड पर आपको फ्रॉग्स देखने को मिलेंगे, स्नेल देखने को मिलेंगे, फ्रॉग देखने को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिर लैंड में से भी कुछ जीव होंगे जो यहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है स्पीशीज जो है यानी जीव जंतु जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यहां के मुकाबले में और यहां के मुकाबले में, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हो, ये दोनों का एरिया यानी यहां की कम्युनिटी और यहां की कम्युनिटी मिल रही है ना आपस में, तो इसी को ट्रांजिशनल जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया यहां पर। ठीक है, एक ऐसा रीजन जहां पर ट्रांजिशनल हो, यानी ये ट्रांजिशनल, जहां पर दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज यानी दो कम्युनिटीज, एक वाटर वाली कम्युनिटीज और एक लैंड वाली कम्युनिटीज, यहां पर आके मिलेंगी, इसी को बोलते हैं इकोटोन या फिर ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग यहां पर ट्रॉफिक लेवल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना ट्रॉफिक लेवल को, इसको समझेंगे और इसको हिंदी में भी जान लेते हैं क्या है, पोषी स्तर। ठीक है, पोषी स्तर, हिंदी वाले भी अगर सुने थोड़ा सा इंग्लिश में समझ में आ जाएगा आपको भी। ठीक है, ताकि एग्जाम का एमसीक्यू ही। ठीक है,
तो पहले इसको ले लेते हैं ट्रॉफिक लेवल को, उसके बाद आपको समझा भी देंगे ताकि आप पे कोई क्वेश्चन आए ट्रॉफिक लेवल पे तो आप कर सको, कोशिश कर। इसको लिख लेते हैं डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ फीडिंग विद इन इकोसिस्टम। देखिए फीडिंग का मतलब है खाना, यानी एक लेवल है जो एक से जीव दूसरे जीव को खाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। इसको समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं सबसे पहले कौन कौन से लेवल हैं, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे हमारे पास कई कैटेगरी है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्रोड्यूसर, यानी जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके कंज्यूमर। कंज्यूमर के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसको आप बोल सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर सी से कंज्यूमर है शॉर्ट में, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिशरी कंज्यूमर, या फिर एक और आता है क्वार्टरनरी, ठीक है, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। और उसके बाद आते हैं डीकंपोजर। डीकंपोजर का मतलब जो है ये होता है कि जो सड़ी गली चीजें खाते हैं। इसको समझ लेते हैं भाई कि ये क्या है ट्रॉफिक लेवल। देखिए एक मैं पैरामीटर बना देता हूं आपको समझ में आएगा। देखिए आप इसको थोड़ा सा वैसे ही समझ लेते हैं थोड़ी आसानी से। एक पैरामीड है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए पानी वाला बनाते हैं हम, वाटर, वाटर से समझ लेते हैं, वाटर वाला आसान रहेगा, वाटर ट्रॉफिक लेवल। देखिए पानी के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, या फिर आप कह सकते हो प्लांट्स होंगे, ठीक है, क्या है प्लांट्स, पानी के प्लांट्स है। और पानी के प्लांट्स को कौन खाएगा, यानी जो प्लांट्स हैं वो क्या कहलाएंगे आपके, आप कह रहे होंगे प्लांट्स जो होंगे वो कहलाएंगे प्रोड्यूसर, ठीक है। अब इस प्लांट्स को कौन खाएगा, अब इन प्लांट्स को खाएंगे जू प्लैंकटन। कौन खाएंगे, जू प्लैंकटन। देखिए जू प्लैंकटन और कुछ नहीं है, जू मतलब होता है एनिमल और प्लैंकटन मतलब होता है जो सरफेस पे तैरते हो, ठीक है, जू प्लैंकटन बोलते हैं। यानी ये एनिमल है जो किसको खाएंगे, प्लांट्स को, ठीक है। तो ये जू प्लैंकटन कौन होंगे, कंज्यूमर होंगे, जो किसको खा रहे हैं, प्रोड्यूसर को। तो ये इसमें आ जाएंगे जू प्लैंकटन, ठीक है। और फिर जू प्लैंकटन को कौन खाएगा, आप कह सकते हो खाएंगे प्रॉन। प्रॉन का मतलब होता है झींगा मछली, इस तरीके से आप समझ लीजिए, इसको कौन खाएगा, प्रॉन। और प्रॉन को खाने वाले कौन होंगे, आप कह सकते हो स्मॉल फिश, ठीक है, स्मॉल फिश। तो यहां आएगी स्मॉल फिश टेरिशरी में, ठीक है। और फिर स्मॉल फिश को कौन खाएगी, लार्ज फिश। तो ये है आपकी लार्ज फिश क्वार्टरनरी में, ठीक है, लार्ज फिश शॉर्ट में बता दिया। और फिर इसको मरने के बाद जो है बेसिकली डिकम्पोजर ही खाएंगे, जो जीव छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है इसको खा लेंगे। तो ये जो लेवल चल रहा है, यानी ऊपर से लेकर, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर तक, इसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, यानी पोषी स्तर, ठीक है। यानी प्लांट्स को कौन खा रहा है, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन को प्रॉन, प्रॉन को स्मॉल फिश, और फिर लार्ज फिश, फिर डिकम्पोजर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो लेवल चलता है इसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी आपको, बहुत आसानी से समझाइए मैंने, ठीक है। तो कई बार जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं, ठीक है, सेकेंडरी कौन से हैं। अब ये अगर लैंड को समझना चाहो तो ये भी समझ सकते हो, प्लांट्स को खाया डियर ने, और डियर को किसने खाया, मान लीजिए लाइक जो जंगली डॉग्स होते हैं उन्होंने, वो जंगली डॉग्स को किसने खाया, टाइगर ने। तो यहाँ पर टाइगर है वो ट्रैशी बन सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें समझ सकते हो, क्लियर है। और फिर उनको किसने खाया, जो डिकम्पोजर्स होंगे उसने, कीड़े मकोड़े ने मरने के बाद, उन्हें तो कोई खाएगा नहीं, सड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ट्रॉफिक लेवल कहलाता है आपका, ठीक है। तो आगे करते हैं हम लोग, अब देखिए समझते हैं फूड चेन, आहार श्रृंखला जिसको हिंदी में नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए आहार श्रृंखला में आपको मैं बता दूं फूड चेन है क्या, पहले तो इसकी डिफाइन बता देता हूं। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म
दैट डिपेंड ऑन ईच अदर सोर्स ऑफ फूड। देखिए कुछ नहीं है फूड चेन में जिसको आहार श्रृंखला बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक ऐसी सीरीज है जिसमें एक दूसरे को जीव खा लेते हैं। जैसे मैं कहूं लाइक मान लीजिए ग्रास है, यानी घास है, ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ओपर, ठीक है। ग्रास ओपर को कौन खाएगा? फ्रॉग खाएगा, ठीक है। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। स्नेक को कौन खाएगा? आप कह सकते हो ईगल खाएगा या फिर वल्चर खाएगा, ठीक है। तो ये जो श्रृंखला है चलती जा रही है जो चेन, इसी को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। यानी आहार श्रृंखला, एक के बाद एक जीव खा रहे हैं, ठीक है। और प्लांट्स उसमें भी देख सकते हैं हम लोग जो एनिमल्स के फॉर्म में है। प्लांट्स को किसने खाया? डियर ने। डियर को किसने खाया? लॉयन ने। तो ये भी एक चेन है, फूड चेन, ठीक है। तो आई होप की समझ में आ गई होगी। ये तीन चेन है जो पूछी जाती है, आपको याद रखना है। फूड चेन जो है तीन तरीके की होती है। पहला तो आप कह सकते हो ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन। दूसरा आप कह सकते हैं फूड चेन और तीसरा है आपका डिट्रस फूड चेन। ज्यादा पूछा तो नहीं जाता है, बस इतना पूछा जाता है कि कितने टाइप्स की फूड चेन है। आई होप की चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसी के आगे मैं एक टॉपिक और है वो कराता हूं। इसी के आगे हमारा फूड वेब, ठीक है। फूड वेब क्या है? जैसे हमने समझा जो फूड चेन है एक सीरीज है, इसमें क्या है फूड वेब में एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक से दूसरे जीवों में, तो इसी को बोलते हैं फूड वेब। और ऐसा नहीं है कि ग्रास को केवल ग्रास ऊपर ही खाएगा, हो सकता है इसको डियर खा ले, ठीक है, फिर लॉयन खा ले, ठीक है, और हो सकता है इस डियर को जो है कोई लॉयन की जगह टाइगर खा ले, ठीक है। तो ये फूड चेन जो है अलग अलग ट्रांसफर है, ठीक है। और ये भी है कि फ्रॉग को कोई और जीव भी खा सकता है, जरूरी थोड़ा ना इसने खाए, मान लीजिए कैट खा ले। तो यहां पर जो चेन है यानी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे जीवों में, उसको बोलते हैं फूड वेब। फूड चेन से डिफरेंट है, यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसमें। तो इसकी डिफाइन में ले देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ठीक है। इट शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विद इन इकोसिस्टम। और एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिजम्स टू अनदर, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गई होगी कि फूड वेब क्या है, ठीक है। इसको खाद्य जाल भी बोलते हैं हिंदी में, एक जाल है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। आगे करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको इस टॉपिक को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसको समझते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, इसको हिंदी में क्या नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है जैविक आवर्धन। ठीक है, तो यहां पर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को समझते हैं। देखिए जैसे इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि देखिए जो स्पीशीज है वो कैसे खत्म होती जा रही है, क्यों खत्म हो रही है, ठीक है। जैसे आपने देखा बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जैसे आप कह सकते हो क्या कहते हैं डोडो है, डोडो एक बर्ड था वो खत्म हो गया है। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हो इसको, जैसे सपोज कीजिए एक एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, यानी ये एग्रीकल्चर फील्ड है और इस एग्रीकल्चर में मैं क्या करता हूँ, कुछ केमिकल डालता हूँ ताकि जो मेरी फसल है वो अच्छी हो सके, ठीक
ठीक है, मैंने कुछ केमिकल डाला। अच्छा एक यूनिट होती है केमिकल को नापने की, पीपीएम, ठीक है। तो वो तो आपको मत समझी, केवल इतना समझिए कि मैंने कुछ केमिकल डाला, ठीक है। मैंने कितने हिसाब से डाला, मान लीजिए मैंने 10 ppm के हिसाब से मैंने केमिकल डाला, ठीक है, यानी इतने एरिया में, इतने एरिया में, इतने एरिया में केमिकल डाला, ठीक है। अब सपोज कीजिए ये केमिकल जो है किसने खा लिया, अर्थवर्म होंगे, ठीक है, अर्थवर्म थे यहां पर बहुत सारे, उन्होंने खा लिया। अब वो अर्थवर्म तो पूरी जगह घूमेंगे, तो हो सकता है उनकी बॉडी में जो केमिकल था, यानी जो अर्थवर्म की, वो केमिकल जो है ज्यादा गया हो, जैसे सपोज कीजिए 20, क्योंकि केमिकल एक दिन तो डलेगा नहीं बार बार, ठीक है। अब इस केमिकल को किसने खाया, स्मॉल बर्ड्स ने, ठीक है। जब ये स्मॉल बर्ड्स ने खाया तो ये केमिकल की मात्रा ज्यादा ही गई होगी, क्योंकि एक अर्थवर्म तो वो खाएंगे नहीं। तो हो सकता है मान लीजिए ये केमिकल की मात्रा थी वो 50 चली गई, ठीक है। और इसको भी मान लीजिए किसी बड़े पक्षी ने खा लिया, ठीक है, बर्ड्स ने, ठीक है। अब मान लीजिए वो एक पक्षी को खाएगा नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि वो मान लीजिए 150 चला गया, तो ये केमिकल जो है चला गया। और मान लीजिए एक लार्ज बर्ड आ गया, उसने खा लिया, और उसके में चला गया मान लीजिए 500, ठीक है, ppm केमिकल। तो यहां से जो आपने देखा जो केमिकल का इफेक्ट था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया हर एक लेवल पे। और यानी हालांकि जो हायर स्पीशीज थी, यानी जो बड़ी स्पीशीज थी, उसमें केमिकल इतना ज्यादा पहुंच गया कि वो स्पीशीज क्या होगी, वो खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो है क्या, जो हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, बड़े लिविंग बींग्स पे पड़ता है, ठीक है, आप ये कह सकते हो, यानी हायर स्पीशीज पे पड़ता है, यानी हायर स्पीशीज जो है इसी पर जो है डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, इसको अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर होगा, उसको हम लोग खाएंगे, हम भी बीमार पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा ही किस्सा था केरल के अंदर, ठीक है, केरला जिसको फेमस बोला जाता है, केरल के अंदर कुछ केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था, और केमिकल को ऑब्टेन करने वाले कौन थे, हम लोग थे, यानी हम जैसे लोग। उनको क्या हुआ, स्किन डिसऑर्डर आया, स्किन डिसऑर्डर आप कह सकते हो, यानी त्वचा वगैरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। बाद में पता लगा कि जो स्किन प्रॉब्लम हो रही है वहां की कम्युनिटी को, वो कहां से हो रही है, जहां से ये केमिकल स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यानी आपने देखा कि लार्ज स्पीशीज पे पड़ रहा है, इसका इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने बताया कि इसका जो इफेक्ट है वो कहां से पड़ रहा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से, ठीक है। यानी इसी प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आई आपकी चीज समझ में आ गई, इसको बोलते हैं जैविक आवर्धन, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं, आई आपकी समझ में आया होगा, जिसका नाम है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। अब देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन का यहां पर छोटा सा पहले समझ लेते हैं क्या है इसका डिफाइन। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पीशीज इज एन एरिया ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल कम्युनिटी। देखिए कहने का मतलब क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन का, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पीशीज का, कोई भी स्पीशीज हो, चाहे प्लांट्स हो चाहे फिर वो एनिमल्स हो, उनका स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होता रहता है, ठीक है, उनकी कम्युनिटीज का, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसको समझेंगे, पहले ये समझ लें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है, इसको समझ लेते हैं, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए प्राइमरी में हम थोड़ा समझते हैं, पहले प्राइमरी समझ लेते हैं क्या है, इसको समझने के लिए अच्छा आप देखिए छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं।
देखिए शुरू शुरू में क्या होता है, स्टार्टिंग में कोई लैंड होता है तो उस पर क्या छोटे छोटे एनुअल प्लांट शुरू होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं एनुअल प्लांट, ठीक है। उसके बाद ये प्लांट धीरे धीरे टाइम टू टाइम क्या होता है, बीतने के बाद क्या होता है थोड़े से बड़े हो जाते हैं। सपोज कीजिए ये बड़े हो गए, जिसको पेरिनियल प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। उसके बाद ये चेंज हो किस में जाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिसको आप कह सकते हो, जिसको बोलते हैं श्रब्स, ठीक है। क्या हुआ, पहले छोटे प्लांट से फिर पेरिनियल प्लांट आए, फिर श्रब्स आए, फिर उसके बाद थोड़े से पेड़ बनना शुरू हो जाते हैं बड़े बड़े, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते, इनको बोलते हैं सॉफ्ट ट्री, ऐसे बोले सॉफ्ट वुड प्लांट, ठीक है, सॉफ्ट वुड प्लांट। उसके बाद क्या होता है, लार्ज प्लांट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनके बाद क्या होती है लार्ज और हार्ड वुड प्लांट होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा एनुअल प्लांट से पेरिनियल प्लांट में बने, फिर शॉफ्ट में बने, फिर सॉफ्ट वुड प्लांट में बने, फिर हार्ड वुड हो गई इनकी, यानी ये जो प्रोसेस है चलते चला गया ना, बड़े होते चले गए। तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, और इसी को बोलते हैं प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। चाहे वो एनिमल्स हो, धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, ठीक है, यानी एक जंगल भी घना होना चला जाता है, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे बाद क्या होता है, ये सूख जाता है और फिर प्लांट्स भी डेथ हो जाती है, ऐसे ही पूरा इकोलॉजिकल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी, यानी ये सूख जाएगा एक टाइम पर, ठीक है। आई होप कि ये प्राइमरी समझ में आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सेकेंडरी में क्या होता है, इसको भी बहुत आसान है समझना कि इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है। देखिए जैसे मैंने बताया कि एक प्रोसेस है जिसमें चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर स्पीशीज का, ये स्पीशीज थी प्लांट्स की, चेंज हो गई। अब देखिए प्राइमरी तो आपको समझ में आ गया, स्टार्टिंग होना, पहले तो लैंड ही रहा होगा, फिर कुछ हुआ होगा प्लांट्स में बीज वगैरह आया हल्का फुल्का बर्ड्स के वजह से, फिर धीरे धीरे इससे बढ़ गया, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में समझिए आप, सेकेंडरी में क्या है, एक कम्युनिटी थी बहुत बड़ी, ये मान लीजिए प्लांट्स ही थे। अब ये प्लांट्स थे पहाड़ों पर, सपोज कीजिए ऐसे पहाड़, हुआ क्या कोई एक्सीडेंट हुआ, या मान लीजिए कोई लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, और ये प्लांट्स कहाँ आए, इसके नीचे आ गए, लैंड गए, और ये मिट्टी, ये फिर से लैंड वैसा हो गया ऊपर से खाली। होगा क्या, ये जो इसकी लीव्स वगैरह होंगी ये क्या बन जाएंगी, खाद, ठीक है। और यहां पर एक नई कम्युनिटी का जन्म होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो फास्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जो पहले के जीव थे यहां पर थे, और दूसरा क्या है मिट्टी बहुत उपजाऊ होगी पहले के मुकाबले में, क्यों, क्योंकि ये लैंडस्लाइड भी तो हुआ है, और जिसको खाद मिलेगा वो कहां से मिलेगा, जो पहले के डेड प्लांट से उससे मिलेगा इसको खाद। तो यहां पर क्या होगा, ये प्लांट जो है जल्दी ग्रो करेंगे, ठीक है, फिर बड़े होते चले जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी में क्या था, एक स्टार्टिंग होती है, दूसरे में क्या है, कोई एक्सीडेंटली लैंडस्लाइड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, यानी प्लांट जो है दब गए, तो उसके बाद जो मिट्टी का उपजाऊपन होता है वो ज्यादा होता है पहले के मुकाबले में, तो यहाँ पर जो है प्लांट जल्दी ग्रो करेंगे, तो ये सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन कहा गया है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी चीज अगर ऐसा लगता है कि मैंने नहीं समझाई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्या कहते हैं वीडियो देखिए, ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पार्ट फोर के अंदर इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये लेक्चर अच्छे से समझिए ताकि आपको क्या हो, इजी हो जाए कवर करने में, ठीक है। इसी के साथ ही हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं पार्ट 3, ठीक है, थैंक यू।